प्रॉब्लम यही है कि हम यहाँ पे लड़ाई करने जा रहे हैं और लड़ाई के लिए हथियार चाहिए। आपके पास ताकत है पर उस ताकत को कौन सी तरीके से यूज करना है वो आपको एमसीक्यू भी दिखा सकती है। बीच बीच में आंसू भी आते थे। मुझे एक एहसास हुआ कि काश मैं नॉर्थ कोर के टाइम पे टीएनसी के साथ जुड़ जाता तो शायद मैं तभी क्लियर कर लेता। तो उस टाइम थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील होता था। तब मैं वही आपका जो एक फॉर्मूला है जो आप बोलते थे कि मिस्टेक बुक्स देखने के लिए, तो मैं उसी चीजों को जो जो गलती हुआ मैं मिस्टेक बुक्स में लिख देता था नॉर्थ कोर नॉर्थ फाइव में। उसी से मैंने सीखा कि जिंदगी में अगर टाइम को हम सही टाइम में अगर नहीं कुछ काम नहीं किए तो बाद में वो बहुत हाथ से छूट जाता है। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ बोझा पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पटना। एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और मैं करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त रैंकर्स और उनसे जानने वाले उनके संघर्ष की कहानी। एक बहुत ही लंबा संघर्ष और एक बहुत ही बड़ी मेहनत के बाद एक बहुत ही शानदार सिलेक्शन लिया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आकाश जी। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। गुड कैसा इवनिंग कैसा सर। लग रहा है इस समय एक ऑल इंडिया रैंक 97 के साथ में? सर बहुत खुशी हो रही है आज। जो एक समय में एक इम्पॉसिबल लग रहा था आज वो सफल हुआ है। सो एक बहुत खुशी है मेरे में भी और मेरे पेरेंट्स में भी सर। बहुत ही जबरदस्त। एक सपना होता है कि एक, मैं हमेशा एक बच्चों को बोलता हूँ कि जरूर जरूर आप टॉप रैंकर बनेंगे, और एक सपना होता है कि मेरे साथ इंटरव्यू करेंगे, और वो सपना आज आपका पूरा कंप्लीट हुआ है। हाँ सर, उसी सपने के लिए मैं पिछले 8 महीने से इंतजार कर रहा था कि आपके साथ मेरा इंटरव्यू हो सर, और फाइनली वो दिन आज आ गया सर। उसके लिए थैंक यू बहुत सो खुश मच। हूँ। और वो आपकी मेहनत है और आपकी लगन के साथ आपने सारा काम किया है, तो उसी का परिणाम है आज ये इंटरव्यू। बहुत ही जबरदस्त। आज हम बात करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में, और बहुत सारी चीजें आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीजें आपसे पूछेंगे कि हाँ भाई किस प्रकार से मेहनत करना है, किस प्रकार से सारी चीजें होती है। तो इस इंटरव्यू की जो शुरुआत करने वाले हैं वो आपके अपने इंट्रोडक्शन से। हाँ सर, जैसे कि सर मेरा नाम आकाश नाथ है। मैं नॉर्थ ईस्ट के वन ऑफ द स्टेट त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ, और एक छोटी सी शहर धर्मनगर है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में आता है। मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग त्रिपुरा से ही कम्प्लीट की है। इसके बाद 2017 में मैं बैंगलोर मूव हो गया मेरे नर्सिंग स्टडीज के लिए। 2021 में मैंने बीएससी नर्सिंग कम्प्लीट किया। इसके बाद ही इमिडिएटली मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हैदराबाद में ज्वाइन किया। वहाँ मैंने 2 ईयर्स वर्क किया, और ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है नॉर्थ ईस्ट में और सेकेंड मेन्स है जो मैंने क्लियर किया है। बहुत ही जबरदस्त बात है और बहुत ही शानदार स्टोरी। मूविंग रहा है आप प्रॉपर, जहां से अगरतला से बिलोंग करते हैं और वहां के छोटे से गांव से आते हैं, और वहां से आपने नर्सिंग बैंगलोर से किया, बैंगलोर से फिर आपने जर्नी हैदराबाद की जर्नी तय की, और वहां पे 2 साल आपने मेहनत की और वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद आपने ये नॉर्थ निकाला। कब से सोच लिया कि मुझे नॉर्थ में निकालना है, नॉर्थ में जाना है? सर मेरे फोर्थ ईयर में मैंने गूगल ऐसे यूट्यूब में देखा था कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट बोल के एम्स एक टेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया है उन्होंने। तो मैंने तब से सोचा था कि हाँ, एक बार ग्रेजुएट होने के बाद जरूर मैं ट्राई करूंगा। एक सबका एक ड्रीम होता है, शायद डॉक्टर नहीं बन पाए पर एक नर्स होके वही एक ड्रीम इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए। तो तब से मेरा ये जर्नी। बहुत ही बढ़िया। उसके लिए फिर आपने क्या प्लानिंग लगाई कि हाँ मुझे तो ये करना ही है, मैं ये बड़ा नहीं कर सका तो मैं ये तो चीज करना ही करना, मुझे नर्सिंग ऑफिसर तो 101% बनना ही बनना है। तो क्या आपने प्लानिंग बनाई? प्लानिंग तो सर तब ना ही मेरे पास कुछ गाइडेंस था, तो और जो भी था वो यूट्यूब में था पर उतना सा सोर्सेज नहीं था तब। तो मैंने सोचा कि जो भी मेरे पास बेसिक्स बुक्स के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता चला, पीआर यादव और टारगेट है, तो मैंने वही दोनों कलेक्ट किया। और विदाउट एक्चुअली मैंने उस टाइम पे थ्योरी पे फोकस किया, जिसके कारण मेरा नॉर्सेट 4 और नॉर्सेट 5 दोनों मैं क्रैक नहीं कर पाया। इवन प्रीलिम्स भी मुझसे क्लियर नहीं हुआ तब। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो मुझसे हुई है, और मैंने सिर्फ थ्योरी पे फोकस किया, जो कि एक्चुअली कॉलेज के लिए ठीक है पर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एकदम से गलत बात है। इसमें एमसीक्यू की बहुत बड़ा भूमिका है जो मैंने नहीं पाला, उसमें थोड़ा सा भी नजरअंदाज कर दिया। सबसे बड़ी गलती आप बोल रहे हैं कि मैंने थ्योरी पे फोकस करता गया, मैं थ्योरी के साथ साथ मैं लगातार मेहनत करता गया, नॉट सेट 4 भी गवा दिया और 5 भी गवा दिया। उसके बाद आपको लगा कि नहीं मैं गलत रास्ते पे, और मैं मुझे सही रास्ता चुनना चाहिए। उसके लिए फिर आपने क्या प्लानिंग बनाई कि अब मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्या करना चाहिए? तो उसके बाद मैंने फिर से वही सर, एक ही सहारा होता है यूट्यूब। मैंने वहां पे यूट्यूब में देखा कि टेस्ट सीरीज बोल के कुछ आ रहा है, तो मैंने टेस्ट सीरीज के लिए सर्च किया। तो यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जो नाम आ रहे थे जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, पर मैंने वहां पे एक नाम देखा टीएनसी का, जो एक फ्री दंगल सीरीज बोल के, सैटरडे दंगल, वो फ्री सीरीज देते हैं।
तो उसमें ओके, जाके मैंने टीएनसी को टेस्ट आपने फिर किया। वहां पे आपने प्रायोरिटी दी, कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे उसमें ऐसे आपने टीएनसी को प्रायोरिटी दी कि मुझे टीएनसी के साथ चलना चाहिए, और ये डिसीजन कैसा रहा? आज क्या फील कर रहे कि यार मैंने बहुत सारी चीजें देखी थी लेकिन मैंने टीएनसी को चुना है, तो टीएनसी को चुनने का डिसीजन कैसा रहा? एकदम सर 100% सही है। हाँ थोड़ा टाइम लगा क्योंकि सब अच्छी चीजों के लिए मेहनत तो जरूरी है, टाइम भी जरूरी है, पर फाइनली मुझे मिल गया सर। ओके, टीएनसी के अंदर सबसे पहले आपने कदम रखा, टीएनसी के साथ आपने लगातार कंटिन्यूअसली मेहनत की, और कंटिन्यूअसली जो आपने मिस्टेक्स थी वो उसको सुधारने के लिए टीएनसी को चूज किया, तो सबसे पहला एग्जाम दिया कैसा लगा और कौन सी रैंक आई? सर सबसे पहला जो मैंने नॉर्थ 6 दिया था और उसमें मेरा प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर हो गया था, 97% आया था, तभी मुझे एक एहसास हुआ कि काश मैं नॉर्थ सेट 4 के टाइम पे टीएनसी के साथ जुड़ जाता तो शायद मैं तभी क्लियर कर लेता। तो फिर मैंने नॉर्थ सेट, ओके, वही गलती थी, मुझे तब एहसास हुआ। तो फिर मैंने मेंस भी एग्जाम दिया पर शायद मैं मेंस में थोड़े नंबर से पीछे रह गया, मेरा रैंक 3312 आया था सर नॉर्थ सेट 6 में। बहुत ही बढ़िया। काश मैं पहले जुड़ जाता, ये लाइन बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट करेगी यहाँ पे बच्चों को, कि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बस अटके रहते हैं। अब मैं एक चीज बात कर रहा हूँ कि चलो टीएनसी में आपको प्रैक्टिस की, लगातार आप मेहनत कर रहे थे, टीएनसी के अंदर जो एमसीक्यूज है, जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो क्या आपको लगता था कि ये सबसे हटकर मिल रहा है, सबसे अलग मिल रहा हाँ सर क्वालिटी वही जो मैंने नॉर्थ सेट 4 और 5 में फेस किया था, यहाँ पे जो मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे तब एग्जाम के टाइम पे, जो ऐसे ही एक लेवल का कंटेंट मुझे मिल रहा था। और पहले जो रैंक आया था मेरा, मैं देख के पूरा डिमोटिवेट हो गया था, 18,000 रैंक आया था मैं जो मार्च 23 में मैंने एग्जाम दिया था फर्स्ट नॉर्थ सेट टेस्ट सीरीज। और तो ओके, उसके बहुत ही बाद बढ़िया। अब मेरा एक सवाल और आपसे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एंजाइटी, बार बार मन में एंजाइटी आती है, एंजाइटी आती है, अब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, दो फेलियर है, फिर आपने लगातार टीएनसी का साथ चुन किया, अब ऐसा नहीं लगा कि इस बार मैं फिर से एग्जाम में जा रहा तो मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, एंजाइटी को कैसे कंट्रोल किया? हाँ सर एंग्जाइटीज तो आ रहे थे, बीच बीच में पढ़ रहा था, टेस्ट सीरीज दे रहा था, बीच बीच में आंसू भी आते थे, फिर उनको पोंछ के फिर से बैठना था कि हाँ। और बीच बीच में जो आपके जो रिव्यू मोटिवेटेड मोटिवेशनल वीडियोस आते थे कि हाँ डरना नहीं चलना है, और स्पेशली अवधेश सर को जो हर डेली सुबह 9 बजे हमारे लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशनल लाइंस भेजते, तो वो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। बिल्कुल, हमेशा टीएनसी ये भी काम करती है कि आपके मोटिवेशंस के भी पूरा ध्यान रखती है, बच्चे को किस चीज की रिक्वायरमेंट है वो लगातार टीएनसी एनालिसिस करती है, और उसके साथ साथ बच्चे को हर चीज प्रोवाइड करवाती रहती है। कोई बच्चा मेरे से ये पूछे कि यार मैं मेहनत तो लगातार कर रहा हूँ, आगे आगे याद कर रहा हूँ, और मैं पीछे पीछे भूल जा रहा हूँ, तो क्या करें उसके लिए, क्या इलाज है उसका? सर उसका एक ही इलाज है, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, तीनों और कुछ भी नहीं है। जितना भी कर सकते हैं हम रिवीजन में कर सकते हैं, और जो भी हम लोग को फ्री टाइम मिल रहा है उस टाइम में उसको रिकॉल करना, फिर से जैसे सोने से पहले एक बार रिकॉल कर लिया कि पूरे दिन में क्या पढ़ा। जो मैं करता था पूरे दिन में एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके ऊपर एमसीक्यूज भी कर लिए, इसके बाद रात को सोने से पहले एक बार एक ब्रीफ रिवीजन आंख बंद करके, हाँ मैंने आज दिन में ये पढ़ा, इसका ये था, यही करता था मैं। और सुबह उठ के प्रीवियस डे का एक बार 1 घंटा टाइम दे देता, 7 to 8, उसमें हमें पूरा रिवाइज कर लिया। तो इससे क्या होता है, जो मेरा 5 to 6 month के लिए वो मेरा कंटेंट मेरे अंदर स्टोर हो जाता है, ऐसा है सर। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है रिवीजन इज द की, बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट बताइए, रिवीजन भी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भैया कुछ नहीं होना है, रिवीजन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा पढ़ता है फिर उसको वापस से 6 महीने बाद उठाता तो फिर से भूल जाता है, और ये सबसे बड़ी बच्चे गलती करते हैं। कभी कभी मैं बात करूंगा कि लगातार जब आप टीएनसी के अंदर एग्जाम दे रहे थे, रोजाना मेहनत कर रहे थे, कभी बहुत ही अच्छा रैंक भी आता था, कभी खराब भी रैंक आता था, और बहुत सारी चीजें होती थी, तो लो परफॉर्मेंस होती थी तो एंजाइटी आ जाती है, तो कैसे मैनेज करते थे कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं तो बहुत पीछे चल रहा हूं? हाँ सर एंग्जाइटी तो होती थी, कभी कभी रैंक 100 में आ रहा है, कभी कभी 4,000 में भी चला जाता, तो उस टाइम थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील होता था। तब मैं वही आपका जो एक फॉर्मूला है, जो आप बोलते थे कि मिस्टेक बुक्स देखने के लिए, तो मैं उसी चीजों को जो जो गलती हुआ मैं मिस्टेक बुक्स में लिख देता था, उसको बार बार रिव्यूज करता था कि नेक्स्ट टाइम अगर वो गलती हो, वो तो गलती तो फिर टेस्ट सीरीज में होना है पर एग्जाम में होना नहीं है कैसे भी करके, तो मैं उसी गलती को सुधार के फिर से जब मैं टेस्ट देता था तो धीरे 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 करके ऐसे इंप्रूव करता गया। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि गलती हो तो यहीं पे कर लो, लेकिन मेन एग्जाम में गलती नहीं करनी है, और वो चीज आपने बना के रखी कि गलतियां यहाँ पे कर लो लेकिन मेन एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, उसको आप लगातार सुधारते गए और कंटिन्यूअसली। एक चीज आती है माइनस मार्किंग, सबसे ज्यादा सबसे बच्चों को सताने वाली, और एक है टाइम मैनेजमेंट, वो आपने कैसे कहां से सीखा? टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो सर पहली बात तो मुझसे जो गलती हुई है पहले नॉर्थ सेट 4 और नॉर्थ सेट 5 में, उसी से मैंने सीखा कि जिंदगी में अगर टाइम को हम सही टाइम में अगर नहीं कुछ काम नहीं किए तो बाद में वो बहुत हाथ से छूट जाता है।
तो उसके लिए मैंने अपना एक स्ट्रिक्ट प्लान बनाया सर, कि मेरे पे एक मंथली प्लान था जिसमें मेरे एक महीने में कितना होगा, कितने दिन एक सब्जेक्ट को देना है, और एक डेली प्लान के लिए मेरे एक डायरी था। उसी डायरी में मैं 7 से 8 बजे में क्या करूंगा, 10 से 12 बजे में क्या करूंगा, कब मेरा लंच होगा, कब मैं सोने जाऊंगा। तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ये मेरा पैक शेड्यूल था, कुछ भी हो जाए उसको मेंटेन करना है, ऐसा ही था बहुत ही सर। जबरदस्त बात बोली है। और बच्चे हमेशा ये पूछते रहते कि टॉपर से शेड्यूल पूछो, शेड्यूल पूछो, शेड्यूल पूछो। तो भैया टॉपर से शेड्यूल तो पता चल गया होगा कि टॉपर हमेशा एक शेड्यूल बनाता है, और वो सबका अलग अलग शेड्यूल होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई बच्चा दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है। तो बच्चों को सबसे ज्यादा शेड्यूल खुद का बनाना चाहिए और खुद के शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए। फिर भी मैं आपसे आकाश से पूछना चाहूंगा, क्या शेड्यूल रहता था आपका सुबह से लेकर रात तक का? सर जैसे कि मेरा शेड्यूल था, सबका चेंजेस होता है क्योंकि सबका डायनल वेरिएशन रहेगा, सो स्लीप साइकिल चेंजेस होता है। मैं सुबह उठ नहीं पाता सर, कुछ भी करूं मैं सुबह 5 बजे अर्ली तो मैं नहीं होता मेरे से, तो मैंने एक बनाया था 7 o'clock से। मेरी कॉपी पेस्ट है, रात्रि चर टीम में आप शामिल है। हाँ सर, रात्रि सर टीम वही सर, तो मैं 7 बजे से स्टार्ट करता था, 7 to 8 जो होता था मेरा वो लास्ट डे का जो मैंने पढ़ाई किया उसका रिवीजन के लिए होता था। इसके बाद 8 to 10 2 आवर्स जैसे आपका वही फॉर्मूला यूज करता था, 20% थ्योरी 80% एमसीक्यूज वाला। सो उसमें मैं 2 to 3 आवर्स का 11 तक मैं अपना थ्योरी जो भी पार्ट होगा वो मैं पढ़ लूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा 11 के बाद 11 to 2 मेरा जो थ्योरी पढ़ा था उसका एमसीक्यू का मैं पूरा लगा लूंगा। इसके बाद 1 to 3 o'clock तक 2 आवर्स के लिए जो भी है लंच है जो भी सब रेडी करने के 3 to 5 के बीच में मेरा 2 टेस्ट सीरीज में दे दूंगा, क्योंकि क्योंकि नॉट से प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज पहले हम इसके बाद देते देते इतना हुआ कि मैं 40 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता था। सो 2 देने के बाद, और मेंस का मैं रात को देता था यूजली 9 बजे के बाद, 9 से 11 के बाद, क्योंकि मैं 2 घंटे में ट्राई करता था कि 3 घंटे का एग्जाम 2 घंटे में करूँ। सो ऐसा प्लान था और 11 बजे मैं सो जाता था। लगातार आपने बहुत अच्छा एक शेड्यूल बताया, और शेड्यूल को फॉलो करना होता है। सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मेहनत करते हैं तो बहुत 101% फायदा मिलता है। लगातार आप टीएनसी के लगातार टेस्ट दे रहे थे, लगातार आपने बताया कि मैं पहले प्रीलिम्स देता था और रात को मैं मेंस देता था। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि यार प्रीलिम्स हो रहा है, हमने एक शेड्यूल बना रखा है, पूरा एक पैटर्न बना रखा है, पीडीएफ बना रखा है, और वो बहुत ही ऐसे नहीं बना दिया, उसके ऊपर 10 10 साल का एक्सपीरियंस उसके अंदर झोंका गया है। लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि यार प्रीलिम्स देता हूँ, मेंस छोड़ देता हूँ, या सब्जेक्ट वाइज छोड़ देता हूँ, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये गलती तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं पहले डर जाता था क्योंकि साइकेट्रिक के जो एमसीक्यूज आते थे टेस्ट सीरीज में बहुत लंबे होते थे सच में। मैं बोलूँ तो आप इतने लंबे लंबे एमसीक्यूज आते टेस्ट सीरीज में तो कभी कभी हेडेक आ जाता था, तो मैंने पहले 1 2 बार छोड़ दिया क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा बोल के। फिर मैंने धीरे 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 करके उसको करना शुरू किया, और आप मानेंगे नहीं इस बार नॉर्थ सेट 7 के मेंस में सेकंड सेक्शन साइकेट्रिक का था, उसमें 40 क्वेश्चन में मैंने 38 क्वेश्चन आंख बंद करके किए और वो सब टेस्ट सीरीज से आए थे। यही एक फायदा मिला, मैंने 38 के 38 करेक्ट होंगे, मैंने आके घर में भी देखा वो, तो बिल्कुल, ये यही एक तो फायदा होता है। और यही चीजें बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों को ऐसा लगता है कि यार बस प्री का दे दो, मेंस छोड़ दो। अरे भाई ऐसा नहीं है, टीएनसी अगर लेके आ रही है तो बहुत सोच समझ के लेके आ रही है, बहुत मेहनत करके ला रही है। ऐसा नहीं पेपर बन गया तो ऐसे ही बना दिया, हर एक पेपर के पीछे लॉजिक होता है, बहुत सारे बच्चे चीजें होती है और उसी का फायदा मिलता है। अब एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, इस समय डिस्ट्रक्शन का जमाना है, कहीं मोबाइल को चलाना, उसी से ही पढ़ना है, उसी से सब कुछ करना है, और रील्स परेशान करती रहती है। तो कैसे अपने आप को प्रिवेंट किया कि यार मुझे तो यहाँ बस इतने अपने आप को स्ट्रिक्ट रखना है? फर्स्ट लाइन वही है सर, अनइंस्टॉल कर दीजिए, काम खत्म, उससे और कोई रास्ता ही नहीं उसके लिए। जो भी है फेसबुक है इंस्टाग्राम है सब अनइंस्टॉल कर दीजिए, और जो काम कीजिए जैसे टेलीग्राम हमें चाहिए डेली अपडेट के लिए, और चाहिए यूट्यूब जिसमें हमारे वीडियोस आते हैं स्पेशली जो सी और सिलेक्शन क्लासेस और एडवांस सीरीज के लिए, उसके लिए रख दीजिए। और व्हाट्सएप में आप कुछ भी नहीं जैसे डीपी वीपी सब हटा के रख दीजिए कि इमरजेंसी कॉल्स ओनली बोल के, जो मैंने रखा था डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे बोल के, क्योंकि 6 महीने में अगर मैंने बिल्कुल, हार्डवर्क कर तो मेरा जिंदगी चेंज होने वाला है, और सच में हो गया आज। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शाबाश, और बहुत ही शानदार चीज। बच्चे क्या होता है कि डिस्टर्ब होते हैं, इंस्टा देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, और वो चीजें आपने सारी इंस्टॉल कर दी, सिर्फ आपने काम की चीज रखी, टीएनसी का व्हाट्सएप, टीएनसी का टेलीग्राम और टीएनसी का यूट्यूब चैनल, बस और कुछ नहीं। यूट्यूब चैनल की मैं बात कर दूंगी, यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे लाइव सेशन चलते हैं, सुबह 6 बजे से शुरू हो जाओ, रात के 12 बजे तक के सेशन फिक्स है कि यहाँ 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 यहाँ। बच्चा भटकता रहता है, कमेंट करता रहता है, इसमें भी कमेंट, उसमें भी कमेंट, उसमें भी कमेंट, उसमें भी कमेंट। क्या ये सही तरीका है? नहीं सर, आप ये एकदम गलत है, इसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जो आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उन पे स्टिक रहना मेरे हिसाब से वो बेस्ट होता है, और कमेंट उनको ही कीजिए जो आपके लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। और स्पेशली जहाँ पे लोग
दूसरे दूसरे कोचिंग सेंटर के मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी को डिमोटिवेट या क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ, जहाँ के 15-15-20 हज़ार के कोर्सेज बिक रहे हैं, वहाँ पे टीएनसी फ्री में एक अच्छा सा क्वालिटी कंटेंट एडवांस सीरीज प्रोवाइड कर रही है, उससे ज्यादा और कंटेंट और कहाँ मिल सकता है सर? थैंक यू सो मच, आपने एडवांस सीरीज की बहुत अच्छे से बताई कि जहां पे 20 हज़ार के अंदर भी वो क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल रहा, वो एडवांस सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। और पीएनसी ने वीडियो एमसीक्यू बेच में एक एडवांस हाई लेवल की बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है। और टीएनसी हमेशा बिलीव करती है कि बच्चों को किस प्रकार से कम कॉस्ट में एक हाईली कंटेंट प्रोवाइड कराए। और क्योंकि हमने एक बेरोजगारी का दंश देखा है, बेरोजगारी में पैसे नहीं होते हैं, बेरोजगारी में माता पिता के क्या हाल होते हैं। और मैं एक किसान पुत्र हूं तो मुझे पता है कि किसान किस प्रकार से मेहनत करके एक एक रुपये लेके आता है, और वो एक एक रुपये की कीमत मुझे पता है। तो हम लोगों ने जितनी बच्चों के कम कॉस्ट के अंदर एक हाईली कंटेंट दे सके वो हमने पूरा प्रयत्न किया और पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वहां से टॉपर्स निकालने की पूरी कोशिश है। लास्ट में मेरा एक सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेंस के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही कितने गलत? सर प्रीलिम्स में मैंने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए थे, मैंने ज्यादा चांसेस नहीं लिए थे, 66 मैंने अटेम्प्ट किया था, पर उसके साथ और चार पता नहीं कहाँ से ऐड हुए, सो मेरे जो मार्क्स बन रहे थे वो 6 करेक्ट हुए, 6 इनकरेक्ट थे और 66 करेक्ट हुए मार्क्स, और 99 मेंस की बात परसेंटेज आए। करें, मेंस की बात करें तो मैंने वहाँ पे 144 अटेम्प्ट किए थे, 140 मैंने फर्स्ट सेक्शन में, 34 और सेकंड जो बहुत फेवरेट बन गया था, 38 मैंने किया था, साइकेट्री का सेक्शन आया था, और बाकी के दो सेक्शन में 36 36, टोटल 144 किए थे, उसमें से 25 मेरे इनकरेक्ट हुए और 120 मार्क्स आए। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार। लास्ट में मेरा एक सवाल और बहुत ही जबरदस्त, आकाश आपने इतनी मेहनत की है और एक बहुत ही जबरदस्त आपके पास एक्सपीरियंस है, फेलियर का भी एक्सपीरियंस है और अब टॉपर्स का भी एक्सपीरियंस है, सारी चीजें आपके साथ हैं, आपके पास एक लंबा संघर्ष है और बहुत ही जबरदस्त। हर बच्चे को इतनी संघर्ष, मैं तो बोलूंगा नहीं, भगवान उसके खाते में नहीं लिखे, जल्दी से सफलता मिले, लेकिन आपने इतना मेहनत किया, आपके पास एक एक्सपीरियंस है, तो इस एक्सपीरियंस के बेस पे बच्चा चाहता है कि आकाश सर हमें ये बता दो, अब हम ये चाहते हैं कि अब हम आगे आपसे भी अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो क्या सजेशन देना चाहेंगे आप उनको? सर सजेशन एक ही होगा कि थ्योरी हमेशा आपको, हाँ थ्योरी आपके बेस बनाएगी, पर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे इतना कंपटीशन है वहां पे आपको एमसीक्यू पहले स्थान पे आपको रखना चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि हम यहाँ पे लड़ाई करने जा रहे हैं और लड़ाई के लिए हथियार चाहिए, आपके पास ताकत है, पर उस ताकत को कौन सी तरीके से यूज करना है वो आपको एमसीक्यू ही दिखा सकती है। सो पहली बात तो थ्योरी पे फोकस कीजिए, कंटिन्यूटी एमसीक्यू के साथ भी रखें, और 10% टैलेंट, 90% कंसिस्टेंसी, और आपका एक ही जो मेरे सक्सेस मंत्र है सर, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके से जाए, बस उसको ही मेरे ध्यान में था, उसके साथ ही मैं चल रहा था, बस उतना ही सर, बाकी सब हो थैंक यू गया। सो मच, और बहुत ही जबरदस्त बताइए कि आपने वो दो चीजें पे फोकस किया है कि भाई लड़ाई लड़ने जाओ तो आपके पास में अस्त्र जो शस्त्र है दोनों बहुत ही स्मार्ट होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो और आपके हाथ में तलवार ऐसी हो जो चले ही नहीं, आपके हाथ में गन ऐसी हो कि काम ही नहीं आए। इसके लिए आपको पूरे फोकस के साथ जाना चाहिए, टीएनसी के साथ आपने जो मेहनत की है वो आपको यहाँ पे आपने बताया है। और लास्ट में एक लाइन बोलिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं हमेशा बोलता हूँ हमें ऐसी चीज करके दिखानी है कि दुनिया हमें फॉलो करे, और वही चीज के करके दिखानी है। लास्ट में मेरे साथ बोलिएगा कि ये शब्द मैं आपके साथ लेना चाहूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया दुनिया बनना करना चाहिए चाहे आपके जैसा। आपकी। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार, थैंक यू सो मच, इस इंटरव्यू सेशन को आपने अटेंड किया, बहुत ही बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमेशा अपना नाम, साथ ही साथ जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, पूरे परिवार का नाम, जितने भी गुरुजन यहाँ तक लेके आए हैं उन सारे के सारे गुरुजनों का नाम, जितने भी दोस्तों ने आपके दुख भरे समय में आपको साथ दिया है उन सारे के सारे दोस्तों को नाम, और साथ ही साथ जहां पर आप बैठ के, अगरतला में आपके भी नेटवर्क इशू आ रहा है, लेकिन नेटवर्क इशू में जहां पे आप बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं और जहां पे आपको साथ में जो आपके डॉक्टर साहब है उन्होंने सपोर्ट किया कि आप मेरे इस चैम्बर में बैठ के आप दीजिए, उन डॉक्टर साहब का भी नाम हमेशा रोशन करते रहे और साथ ही साथ टीएनसी का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।